तो इसमें जो हमने कहा कि ये हम लोग का जो आज का जो एजेंडा है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो लेकर के सर्वे को लेकर करके, तो सर्वे जो है ज़मीन का सर्वे है और ये हर 50 वर्षों में एक बार होता है और ये बड़ा ही एक महत्वपूर्ण चीज़ है। सर्वे गलत होता है, होता आया है, तो उसके चलते पीढ़ियाँ उसमें गल जाती हैं। और बिहार जैसा जगह जहाँ पे प्रति व्यक्ति ज़मीन जो है 39 डिसमिल जहाँ उपलब्ध हो और वहाँ पे गलत सर्वे हो और उसके ऊपर बहुत सारे मुकदमे लड़ने पड़े रैयत को, तो वो पढ़ेगा लिखेगा आगे कैसे बढ़ेगा, तो उसकी पीढ़ियाँ गल जाती हैं उसमें। तो ये एक बड़ा ये एजेंडा है आज के दिन में बिहार का, जो ये सर्वे का जो शुरुआत हुआ है और जिस तरीके से ये हो रहा है, तो वो मतलब भ्रष्टाचार का चरम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पैसा देने के बाद भी रैयत को नहीं पता है कि ठीक से होगा कि नहीं होगा। जो भी सरकार के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया है, सरकार रूल्स को प्रचारित प्रसारित कर रही है, वह सरल तो है नहीं, उसको और भी जटिल बना करके प्रखंड कार्यालयों अंचल कार्यालयों में मतलब इसके ऊपर भयंकर लूटपाट मचा हुआ है। बीच में मैंने देखा कि सरपंच कार्यालय में भी लोग भीड़ लगाए हुए थे बंसावली को लेकर करके, जब सरकार कह रही है बार बार कि नहीं चाहिए, तो फिर ये कौन लोग हैं जो स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं सरपंच के यहाँ से जो बंसावली आएगा उसी को हम मानेंगे, उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। लेकिन फिर वही है संलिप्तता जो है पूरे सभी चीज़ों का सिस्टम में। तो इसके अलावा जो है परिमार्जन को लेकर के एक पहले से समस्या चल ही रहा है कि पंजीतू का जो है ऑनलाइन जमाबंदी करना है, तो उसमें बहुत सारी त्रुटियाँ समस्याएँ सरकार पिछले ये करीब 9 वर्ष से कर रही है जो मेरी जानकारी है, या उसके ऊपर पहले से भी कर रही होगी। तो जो डिजिटाइजेशन शुरू की पंजीतू का, तो वो ठीक से हुआ नहीं, और आप सब जानते हैं कि 90% से ऊपर लोगों की समस्या है। मेरे पास स्पेसिफिक मेरे पास उदाहरण है, एक नहीं सैकड़ों हैं। नाम सुधारने का आवेदन 2-2 साल से ब्लॉक में पेंडिंग है, मल्टीपल टाइम्स लोगों ने दिया। मेरे पास तो ये भी रिकॉर्ड है कि कितना तारीख को रैयत गया था कार्यालय, ये भी रिकॉर्ड है, सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, और कितनी बार गया था वो भी रिकॉर्ड है, और उसका नाम नहीं सुना। तो बड़ा संयोग से ये है कि चुनाव प्रचार अभी चल रहा है, इस चुनाव प्रचार में बिहार सरकार के सारी कैबिनेट आई हुई है, उसी में दिलीप जायसवाल जी भी आए हैं, भू राजस्व मंत्री भी आए हुए हैं। तो चुनाव प्रचार नहीं करके 12-13 दिन यही काम कर देते तो हमारा इलाका जो है सब वोट भाजपा को दे देता, हम भी उनके लिए मांग लेते। अगर यहाँ के इस 12-13 दिनों में अगर वो परिमार्जन सिर्फ कंप्लीट करा दें रैयतों का, तो हम भी भाजपा का वोट मांग लेंगे, एकदम मैं इस दावे के साथ इसी में कह रहा हूँ। जमाबंदी का लेकर के स्थिति यह है कि पता नहीं एक नया नियम आया, पहले जमाबंदी का स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि आप 90 दिन में कीजिए, 45 दिन में कीजिए, ये तरीका था। अब क्या कर दिया है कि पहले स्क्रूटनी करेगा और उसके बाद उसके ऊपर वाद संख्या चढ़ेगा, अभी स्क्रूटनी के नाम पर एक गलत चल रहा है वसूली केंद्र। तो इसी तरह से स्मार्ट मीटर का है, स्मार्ट मीटर में बड़ा एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ देखा।